शहडोल जिले के झिकबिजरी शासकीय हाई स्कूल बिलटिकुरी के बाद अब शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खमरौद से भी एक मामला सामने आया है, जहां पर जन बच्चियों पर भूत प्रेत का साया मानकर झाड़फूंक करा रहे हैं। हालांकि बीमार सभी छात्राओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुढ़ार इलाज के लिए ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान डॉक्टर बच्चों को देख खुद हैरान रहे। छात्राओं के इस तरह के व्यवहार से पालकों और ग्रामीणों में स्कूल में कोई भूत प्रेत का साया का अंदेशा सताने लगा है। शहडोल जिले के झिकबिजरी शासकीय हाई स्कूल बिलटिकुरी के बाद अब जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खमरौद में स्कूल आते ही कक्षा 9वीं व 10वीं की छात्राएं किसी समस्या के चलते अजीब हरकत कर रही हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे इन पर भूत प्रेत का कोई साया है। अचानक हुई इस घटना के चलते टीचर भी परेशान हैं, जहां पर जन बच्चियों पर भूत प्रेत का साया मानकर झाड़फूंक करा रहे हैं। हालांकि बीमार सभी छात्राओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुढ़ार इलाज के लिए ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर बच्चों को देख खुद हैरान रहे। छात्राओं के इस तरह के व्यवहार से पालकों और ग्रामीणों में स्कूल में कोई भूत प्रेत का साया का अंदेशा सताने लगा है। स्कूल में भूत प्रेत का साया जैसी अफवाहों अंधविश्वास पर विराट 24 न्यूज बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता और इस बात की पुष्टि भी नहीं करता। ये मार डाल रही स्कूल में, पूछा ना कहीं मार डाल रही, कहीं मार डाल रही, बता कहीं मार डाल रही, बता बोल चलता चल छाड़िए नहीं ये प्रिंसिपल जब तक ना बताए जब तक ना छोड़े भाई ना कौन बताए राहू बताओ बताओ ना अरे जा वाली छोड़ कपड़ा व्यवस्था कर ले हमने वो तो भी पी ला थी सब हम आप लोग ये बताइए आपके बच्चे सुबह 3-4 बजे खड़े होते हैं, क्या हो गया? कितने आज के समय चक्कर मारते रास्ते में, फिर चिल्लाने लगे। क्यों चिल्ला रहे थे? अचानक से कोयला में सामान, क्या लग रहा था? कोई मेरे ऊपर सामान ऐसा लग रहा था। तो फिर आप लोग ना, फिर ये स्कूल में ही होता है ऐसा? जी। कब से हो रहा? दो बार। कितने बच्चों को ऐसा हो रहा है? दो, चार। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? कौन सी स्कूल पढ़ते हो? जी बताएं, क्या है पूरा मामला? मामले मेरी बच्ची स्कूल गई थी पेपर देने, वहाँ से आई रास्ते पे बेहोश हो गई, अचानक चिल्लाने लगी। हमको लगा भाई गांव के हमको लगा भूत प्रेत की छाया है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, सांस अचानक बढ़ने लगी, बहुत रोने लगी, चिल्लाने लगी, 2-3 बच्चियों कैसी हुई है। फिर कहाँ लेके आए भाई आप लोग? फिर हम लोग वहाँ से एम्बुलेंस को फोन किए हैं, फिर एम्बुलेंस से हम लोग यहाँ बुढ़ार में लेके आके ट्रीटमेंट चालू है। ये समस्या कब होती है? स्कूल में ही हो रही है? स्कूल में ही हो रही है। कब से हो रही है? स्कूल में एक बच्ची को 2 बार हुआ है, लेकिन हमारे दोनों बच्ची को आज हुआ है, पहली बार हुआ है। स्कूल से ही ऐसा होता है, घर से तो स्वस्थ जाते हैं, लेकिन स्कूल में ही ऐसी प्रॉब्लम होती है। कौन सी क्लास में बच्ची है? 9th क्लास में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विद्या साहू, हूँ। देखिए, जैसा कि ज्ञात है कि बच्चों को ये जो भूत प्रेत की बात कर रहे हैं झाड़ा सूखी के बाद, मेन होता है कि बच्चों को खाने पीने की कमी, हीमोग्लोबिन बच्चों के डेवलपमेंट की कमी है। तो जब तक ये बच्चों को खाने पीने से संबंधित नहीं देखा जाएगा, तो ये चक्कर वगैरह जो आते हैं, भूख कम है, बच्चों को स्वास्थ्य भी ठीक कमजोरी रहती है, आयरन की कमी है, मेन हीमोग्लोबिन कम है उनका। अभी जैसे 3 बच्चे मेरे पास आए हैं, उनमें मैंने ये देखा कि उनको जो बता रहे गए ये चक्कर खाके कर रहे थे या ऐसे। अभी जब मैंने उनसे पूछा कि बच्चों क्या परेशानी, तो देखिए उन्होंने बताया मुझे कि पेट में दर्द है, उल्टी जैसा मन हो रहा है, सर्दी भी है। तो हमने वो जब चेक करवाया तो किसी में शुगर कम आया, बीपी कम है। जब बीपी कम है, जब पानी नहीं पियेंगे बच्चे तो बीपी कैसे बढ़ेगा। थोड़ा इनको खाने पीने के एडवाइस किए हैं उनके घर वालों को कि बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा तभी होगा जब बच्चों के खाने पीने का ध्यान रखा जाएगा। बच्चे कह रहे हैं उनको एक अजीब ढंग की महसूस हो रहा, फीलिंग हो रही है ऐसा, जैसे नहीं, अभी तो जैसा मैंने देखा है ऐसा भी मुझे तो दिखा नहीं कि कोई अलग से एक अंदरूनी शक्ति जो होती है भूत प्रेत की, जो एकदम
फिल्मों में दिखाते हैं कि हमने एक उसमें उठा दिया हाथ में, तो ऐसा तो मुझे दिखा नहीं है। नॉर्मल दिखे, पल्स बच्चों की सब ठीक है, एसपीओ2 ठीक है, कुछ नहीं है। तो र्यूमर भी कह सकते, चूंकि एक दो जगह इस तरह की घटनाएं हुई तो बच्चों में इस तरह के कुछ भ्रांति होता है, कई जगह होता है। मैं भी नहीं मानता था, जब मेरे साथ ये घटना घटित हुई थी तब से मैं भी मानता हूँ